ने अपने सर्कुलर नंबर 45/2023 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर फोकस किया है। इन्होंने CBSE ने बोर्ड पैटर्न भी चेंज कर दिया है 10th और 12th क्लास का, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। क्या आप उस बोर्ड पैटर्न को समझना चाहते हैं? क्या आप लेसन प्लान्स बनाना चाहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, नॉट जस्ट फॉर 10th एंड 12th क्लास, बस 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक? क्या आपको वो सारे रिसोर्सेज, क्वेश्चन बैंक, लेसन प्लान, लर्निंग आउटकम चाहिए? क्या आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को समझना चाहते हैं? क्या आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जो असेसमेंट है उसे समझना चाहते हैं? अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो तुरंत इस वीडियो को पूरा देखिए। आधे घंटे के अंदर आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप लेसन प्लान्स बना पाएंगे, आप क्वेश्चन पेपर्स बना पाएंगे, आप असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बना पाएंगे, आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बना पाएंगे, आप तमाम वो चीजें कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी एन एक्सपर्ट इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? व्हाट इज कॉम्पिटेंसी? कॉम्पिटेंसी बेसिकली, अगर हम बेसिक टर्म्स में इफ यू सी, देन CBSE ने NEP 2020 को इम्प्लीमेंट करते हुए और 2020 की जो पॉलिसीज हैं उसे इम्प्लीमेंट करते हुए ये कहा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज मस्ट। नाउ दिस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इज दैट वी फोकस ऑन मास्टरी ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक रेदर देन फोकसिंग ऑन ग्रेड्स। अभी तक हम क्या होता है, ग्रेड्स पे फोकस करते थे, बट अब क्या होगा कि मास्टरी करनी पड़ेगी हर पर्टिकुलर टॉपिक, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, वो चाहे इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, सोशल साइंस हो, EVS हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो, हमें मास्टरी करनी पड़ेगी इन सब सब्जेक्ट्स में, इन सब टॉपिक्स में स्टूडेंट्स को मास्टरी करनी पड़ेगी और तभी वो बोर्ड का एग्जाम भी दे पाएंगे और तभी वो तैयार हो पाएंगे 21st सेंचुरी के लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। अगर पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्टूडेंट पे इंडिविजुअली 1-to-1 नहीं होगी तो वो मास्टरी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो गोल है वो बच्चों को रेटिफिकेशन नहीं है बट मास्टरी ओवर ए पर्टिकुलर टॉपिक है। सबसे ज़्यादा इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो लर्निंग है ध्यान और फोकस किया गया है लर्निंग आउटकम्स पे, यानी कि जब भी कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ाएगा तो उसका काम है लर्निंग आउटकम पे फोकस करना। अगर लर्निंग आउटकम उसका क्लियर नहीं है तो वो बढ़िया से लर्न नहीं कर पाएगा। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में सबसे मेजर है लर्निंग आउटकम। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर क्लास के लर्निंग आउटकम, हर सब्जेक्ट के लर्निंग आउटकम आपको मिल जाएंगे। जो ग्रेड्स भी हैं, जो टेस्ट हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएंगे। 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, चाहे वो कोलैबोरेशन हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ओरल कम्युनिकेशन हो, क्यूरियोसिटी हो, इमेजिनेशन हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, एम्पैथी हो, इन विजन हो, इन सबको इनकॉर्पोरेट करके जब आप लेसन प्लान्स बनाएंगे तब आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे। और ये वीडियो आपको वो एक्सपर्ट आज बनाएगी 30 मिनट के अंदर कि आपको कहीं से लेसन प्लान कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से भी क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप खुद के लेसन प्लान्स बनाएंगे, खुद के क्वेश्चन पेपर्स बनाएंगे, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड। सो ये आधा घंटा चेंज कर सकता है आपके जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपका लेवल हाई हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में और समझना चाहते हैं CBSE का लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें CBSE से, एजुकेशन से, ई कंटेंट और वो सब एरियाज जो स्कूल के अंदर हमें मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत होती है। आप अगर टीचर हैं तो आपका ये चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्किल्स इसी चैनल से बढ़ेंगे और अगर आपके स्किल्स एक बार बढ़ गए तो आपका इंक्रीमेंट या आपकी ग्रोथ होने में, आपको कल प्रिंसिपल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। CBSE ने 2019 में
एकेडमिक सर्कुलर 5 के थ्रू गाइडलाइंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की निकाली थी। उसके बाद लगातार सीबीएसई ने अपने सर्कुलर्स में एग्जामिनेशन पैटर्न, यानी कि एकेडमिक सर्कुलर 2011-2019, एकेडमिक सर्कुलर 18-2020, एकेडमिक सर्कुलर 57-2022 में नए एग्जामिनेशन पैटर्न को बताया था। और इस समय सीबीएसई ने एकेडमिक सर्कुलर नंबर 45/2023 में, जो कि डेटेड है 6 अप्रैल का, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में नए एग्जामिनेशन पैटर्न को बताया है। मैं आपको इसको क्लियरिटी आपको थोड़ी सी देता हूं। आज पिछले साल 40% बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के थे, मगर इस साल एकेडमिक सेशन 23-24 का जो पैटर्न है 10th क्लास का, उसमें 50% क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गए हैं, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हो गए हैं। यानी कि अगर उन 50% कंसेप्ट पे अगर बच्चों की मास्टरी नहीं होगी तो शायद वो कभी भी इन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर है वो सब 30% पैटर्न रह गया है, और एमसीक्यूज आज भी इस साल भी 20% ही रहेंगे। 11th और 12th क्लास के अंदर, ये 9th एंड 10th क्लास का था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पिछले साल 30% थे, मगर इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40%, यानी कि 40% आर गोइंग टू बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, विच इज गोइंग टू बी केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, असर्शन रीजनिंग बेस्ड। सो इफ स्टूडेंट्स डोंट हैव अ मास्टरी ओवर द 40% ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द बुक, मे बी दैट मीन्स दैट 100% ऑफ द क्वेश्चंस हैव टू बी मास्टर्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो ये कभी भी वो उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोर्स को खत्म करने की, यू नो, इफ यू आर फाइटिंग टूवर्ड्स फिनिशिंग ऑफ द कोर्स एंड फीलिंग दैट स्टूडेंट्स कैन क्रैम दिस एंड पास ऑन दिस एग्जामिनेशन, देन दे वोंट बी एबल टू स्कोर वेल, बिकॉज विद एनी बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 40% ऑफ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, वेयर क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, वेयर कोलैबोरेशन इज रिक्वायर्ड, यू नो, 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी लर्निंग आर मिनिमम रिक्वायर्ड। 12th क्लास के अंदर भी, 11th क्लास 12th क्लास के अंदर भी जो MCQs हैं वो 20% होंगे, और जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं शॉर्ट आंसर टाइप लॉन्ग आंसर टाइप, वो सिर्फ 40% अब रह जाएंगे, जो पिछले साल 50% थे। यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें समझना पड़ेगा, हमारे जो लेसन प्लान्स हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए, हमारे जो क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स को देने हैं हर चैप्टर के बाद वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने चाहिए। हमें चेक करना पड़ेगा एक टॉपिक से भागने की जगह कि क्या बच्चों ने उस टॉपिक में मास्टरी की है कि नहीं की है, और वो सब आप आज सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। इसी वीडियो के अंदर आपको वो सारे रिसोर्सेज, सारे टूल्स, सारे लर्निंग आउटकम्स इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लेसन प्लान्स के सैंपल्स मिलेंगे, जिससे कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में मास्टरी कर पाएं और अपने बच्चों को वो दे पाएं जिसकी उनको सख्त जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, अगर आप ग्रेट टीचर हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप बनाना चाहते हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की जो अप्रोच है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो फोकस करती है कि लर्निंग आउटकम को स्टूडेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल करनी पड़ेगी स्टूडेंट को। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, नॉट इवन एवरी सब्जेक्ट बट एवरी टॉपिक पे स्टूडेंट को प्रोफिशिएंसी हासिल करनी पड़ेगी, लर्निंग आउटकम को दिखाना पड़ेगा। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए और समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले करिकुलम डिजाइन, फिर टीचिंग एंड लर्निंग, और फिर है थर्ड थिंग इज असेसमेंट। जब हम करिकुलम डिजाइन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले NCERT के लर्निंग आउटकम्स, फिर हम बात करेंगे सजेस्टेड असेसमेंट फ्रेमवर्क, हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क लिटरेसी के लिए, हम बात करेंगे CBSE के लर्निंग फ्रेमवर्क्स के बारे में। जब हम बात करेंगे टीचर, हम आपको रिसोर्सेज भी इसके अंदर सारी देंगे। वो रिसोर्सेज होंगे आपको ग्रेड 10th, 9th, 8th, 7th और 6th के सैम्पल लेसन प्लान्स, हम आपको बताएंगे, हम आपको इसके अंदर टीचर ट्रेनिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी उसमें आपको बताएंगे कि टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स क्या है, और आपको लर्निंग आउटकम अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। हम आपको इसके अंदर असेसमेंट के लिए क्वेश्चन बैंक देंगे, 10th क्लास का भी, 3rd क्लास का, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के। हम आपको करिकुलम भी बताएंगे कि किस तरीके से, हम आपको सैंपल्स भी दिखाएंगे मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के 6th टू 10th क्लास। क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बताया,
हम आपको इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स का भी बताएंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स कैसे होंगे, हम आपको वीडियोस भी वो दिखाएंगे कि अगर आपको असेसमेंट और इवेल्यूएशन करना है तो हाउ यू कैन डू इट. सो वी विल शेयर द लिंक्स ऑफ वीडियोज ऑल्सो ओवर हियर. तो इस वीडियो को देखते हुए, इस वर्कशॉप को करते हुए, आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के लेसन प्लान, एनसीईआरटी का लर्निंग आउटकम, क्योंकि मैंने आपको अभी जैसे बताया कि लर्निंग आउटकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो एनसीईआरटी ने दो पार्ट में लर्निंग आउटकम को दिखाया है, जिसमें कि एलिमेंट्री स्टेज की उन्होंने एक बुक बनाई है और एक सेकेंडरी स्टेज की बुक बनाई है. यानी कि सेकेंडरी स्टेज, और मैं आपको इसके सैंपल्स दिखाता हूं, जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्री स्टेज और किस तरह से सेकेंडरी स्टेज के लर्निंग आउटकम्स हर सब्जेक्ट वाइज सीबीएसई ने दिए. तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, हमें लर्निंग आउटकम को बहुत ज़्यादा समझना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता, हमें एनसीईआरटी ने इसे पक्का पकाया दे दिया है. तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एलिमेंट्री स्टेज और सेकेंडरी स्टेज में किस तरीके से लर्निंग आउटकम्स हमारे को चाहिए. अभी आपको मैंने बताया कि एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम बेस्ड दो तरीके की बुक्स निकाली हैं, जो एलिमेंट्री स्टेज के लिए और सेकेंडरी स्टेज के लिए है, जैसा कि आप इसका टाइटल देख पा रहे हैं. एलिमेंट्री स्टेज की जो बुक है, जो रेफरेंस लर्निंग आउटकम मैनुअल है, उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, साइंस और सोशल साइंस को कवर किया गया है. जब हम बात करते हैं कि इन सब सब्जेक्ट्स की, तो यानी कि एनवायरमेंटल साइंस में लर्निंग आउटकम जो बेस है वो थर्ड टू फिफ्थ क्लास है. हिंदी में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्टेज है, इंग्लिश में भी अपर प्राइमरी यानी कि फिफ्थ क्लास तक और एट्थ क्लास तक. साइंस में आपको सिक्स टू एट्थ तक के लर्निंग आउटकम इसके अंदर मिल जाएंगे. सोशल साइंस में भी आपको सिक्स टू एट्थ तक के इसमें लर्निंग आउटकम आपको मिल जाएंगे. लर्निंग आउटकम के साथ साथ सबसे पहले ये आपको जो मैनुअल में है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, कि कैसे सिखाने हैं और लर्निंग आउटकम कैसे होगा, यानी कि आपको क्या एक्टिविटी यूज करनी है उस लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए, ये इस बुक में, इस मैनुअल में बहुत अच्छे से समझाया गया है. अब आप देखेंगे, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ कुछ स्क्रीनशॉट्स, ये हिंदी का स्क्रीनशॉट है, इसी तरीके से ये इंग्लिश का है. इसमें भी इन्होंने किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ इन पेयर या ग्रुप में करनी है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है और उससे क्या लर्निंग आउटकम निकल कर आएंगे, ये मैंने आपको इन स्क्रीनशॉट्स में दिखाया. ये इंग्लिश का भी आप देख सकते हैं, आप उर्दू का भी देख सकते हैं, आप इसमें सोशल साइंस का जो मैंने अभी बताया सिक्स टू एट्थ, या मैथमेटिक्स का आपको यू नो प्री प्राइमरी सॉरी प्राइमरी क्लासेस, और उसमें क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप अपने लेसन प्लान्स में कैसे ये एक्टिविटीज़ को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और आप कैसे इसे लर्निंग आउटकम बेस्ड बना सकते हैं. ये हर चैप्टर के लिए अलग अलग दी गई है. तो जब आप अपने लेसन प्लान बनाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना. इसके बाद हम आते हैं असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर. सीबीएसई ने एक असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ इन्होंने मिलकर बनाया गया, जिसका मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ. और ये ब्रिटिश काउंसिल के साथ इन्होंने जो फ्रेमवर्क बनाया है वो सिक्स टू टेंथ क्लास के लिए सीबीएसई ने बनाया है. इसके अंदर आपको असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, आपको ये मिलेगा कि जो एंड ऑफ द ईयर है उसके असेसमेंट का पैटर्न क्या होना चाहिए, आपको रीडिंग के असेसमेंट के एग्जांपल्स इसके अंदर हैं, आपको मैथमेटिक्स के क्लास वाइज सिक्स सेवन एट नाइन टेन मैथमेटिक्स के भी आपको असेसमेंट सिक्स से टेंथ क्लास यानी कि एग्जाम जो है सिक्स से टेंथ क्लास तक उसके बारे में बताया गया है. आपको इसके अंदर इन्होंने सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं मैथमेटिक्स के, साइंस के. इसमें असेसमेंट के जैसे कि चैप्टर वाइज प्लांट ग्रोथ सिक्स क्लास का, नाइन्थ क्लास का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टेंथ क्लास का प्लांट ग्रोथ, इसके इन्होंने एग्जांपल्स भी साथ में ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिला के दिए गए हैं.
इसी के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से एनसीईआरटी ने पेडागॉजिकल प्रोसेस को कराया, यानी कि क्या आपको क्वेश्चन पूछने हैं क्लास के अंदर, क्या वो लर्निंग आउटकम से कैसे बेस्ड होगा, कैसे हम असेसमेंट और कैसे हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, ये सभी इस बुक के अंदर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं सजेस्टेड फ्रेमवर्क के बाद, जब हम लर्निंग लैडर सीखते हैं, असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव सीख जाते हैं, असेसमेंट के स्पेसिफिकेशन इस बुक से सीख जाते हैं और एग्जाम्पल्स भी। नेक्स्ट पीसा के साथ मिलके सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड फ्रेमवर्क लिटरेसी के लिए बनाया है। इसको तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है, साइंटिफिक, मैथमेटिक्स और रीडिंग के लिए। अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रेमवर्क है, इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ किताब का, इसके अंदर किताब के अंदर सबसे पहले कॉम्पिटेंसी को बताया गया है पीसा के साथ मिलके इन्होंने इस चीज़ को किस तरह से बनाया है, कॉम्पिटेंसी मैथमेटिक्स में कैसे यूज़ करनी है, कॉम्पिटेंसी को टीचिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इन कॉम्पिटेंसीज को एसेस करना है, इस बुक के अंदर बताया गया है। साथ में इसको मैप किया गया है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के साथ चैप्टर वाइज मैपिंग करी गई है एनसीईआरटी के लर्निंग आउटकम से। सो इस किताब को देखने के बाद आप काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं अपने लेसन प्लान्स को, और लेसन प्लान्स आपके जो होंगे वो ऐसे होंगे जो बिल्कुल 21st सेंचुरी लर्निंग या जो सीबीएसई की जो रिक्वायरमेंट है उसी के साथ होंगे। हम इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है उसको यूज़ करते हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग को यूज़ करते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को यूज़ करते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने किस तरीके से यूज़ करना है इसमें बहुत अच्छे से स्टेप बाई स्टेप बताया हुआ है। हम कहाँ गलतियाँ करते हैं उसे बताया हुआ है, हम कैसे इसको एनसीईआरटी से मिला के कॉम्पिटेंसी बेस्ड अपनी एजुकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी इसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट सीबीएसई ने लर्निंग फ्रेमवर्क दिया है सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के अंदर। इसके अंदर इन्होंने सीबीएसई ने कोलेब्रेशन किया अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से, और 9th और 10th क्लास का फ्रेमवर्क को और उसके रिसोर्सेज को इन्होंने दिया है। इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जिसमें कि अजीम प्रेमजी का जो लर्निंग फ्रेमवर्क है सोशल साइंस का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के भी हैं। इसके अंदर भी इन्होंने सब्जेक्ट की कौन सी कोग्निटिव स्किल्स को भी डिफाइन किया गया है, लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन किया है, पेडागॉजिकल प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। ये सब बड़े बड़े लग रहे हैं, लेकिन अगर आप इन मैनुअल्स को देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए वो इसके अंदर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर आप कैसे क्रिएट करेंगे वो इसमें बताया गया है, आपको एक मार्किंग स्कीम कैसे बनानी है क्वेश्चन पेपर की वो इसमें बताया गया है। यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, तमाम तरीके के आपको इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस कैसे आपको डिज़ाइन करना है क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग आपको कैसे क्वेश्चंस डिज़ाइन करने हैं, वो फ्रेमवर्क सारा इसके अंदर दिया गया। अगर आप इस मैनुअल को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें इन्होंने हर चैप्टर को टॉपिक वाइज, उसके सब टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है और उसको लर्निंग आउटकम बेस्ड इन्होंने बना दिया गया है कि किस तरीके से। इसमें भी इन्होंने एक्टिविटीज सजेस्ट करी है, तो सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक, इंग्लिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीचिंग रिसोर्सेज की, यानी कि जो रिसोर्स मॉड्यूल्स हैं जिससे कि टीचर्स जो हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये ग्रेड वाइज रिसोर्सेज हैं, यानी कि 6th, 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के जो रिसोर्सेज हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। इसके ही अंदर आपको सैम्पल लेसन प्लान्स भी मिलेंगे, मैं आपको लेसन प्लान्स के भी फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये लेसन प्लान्स आपको सैम्पल के तौर पे मिल रहे हैं, ये भी ब्रिटिश काउंसिल ने बनाए हैं, और इन लेसन प्लान्स को अगर आप एक बार देखते हैं, कुछ सैम्पल्स को देखते हैं, तो आप अपने लेसन प्लान्स जो बनाएंगे वो बहुत अच्छे से बना पाएंगे, जिसमें आप लर्निंग आउटकम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, जिसमें आप लर्निंग लेडर, आपको बच्चों को क्या एक्टिविटीज़ करानी है, कितने मिनट का लेसन प्लान है, कौन सी बुक्स रेफरेंस लेनी है, कौन से चैप्टर लेने हैं, कौन से रिसोर्सेज आपको यूज़ करने हैं, लर्निंग आउटकम कैसी है, आपको एक्टिविटी करानी है, और कैसे आपको असेसमेंट उस पर, यानी कि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन मास्टरी पर आधारित है, अगर वो मास्टरी पर आधारित है तो किस तरीके से हमें ये देखना है कि जो लेसन प्लान्स हैं वो कैसे उन्होंने मास्टरी करी, उसके बेस पे जो असेसमेंट है
वो आपको इस बुक के अंदर बताया गया है। इसी बुक के अंदर आपको वर्कशीट्स का भी बताया गया कि किस तरीके से आपको वर्कशीट बनानी है। तो ये लेसन प्लान्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि आप एक बार इन लेसन प्लान्स को देखते हैं तो आपके जो अपने खुद के लेसन प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे से बन पाएंगे। CBSE ने दीक्षा पोर्टल को भी इसमें लिया गया है और उसके अंदर टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दिए गए हैं जिसमें कि आप बहुत आसानी से ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान्स को बना पाएंगे। CBSE ने फिर असेसमेंट क्वेश्चन बैंक्स दिए हुए हैं जिससे कि आप इन क्वेश्चन बैंक्स को देख के आप अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं, यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये इंग्लिश मैथ्स साइंस में दिए हुए हैं। क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं 6th से 10th क्लास तक के मैथ्स साइंस इंग्लिश जिसमें कि आप असेसमेंट आपको कैसे करना है, क्या क्वेश्चंस हैं, करिकुलम कैसा आपका बनेगा, ये सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको इसके अंदर CBSE ने इस पर्टिकुलर मैनुअल के अंदर बताया गया है। इसमें हर चैप्टर वाइज यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के अंदर आपको कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, कैसे पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उनके सबके सैंपल्स बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर्स बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसमें कॉम्पिटेंसी बच्चों की जो बच्चों ने लर्न किया है वो आपको पता लग जाएगी। अब क्वेश्चन बैंक CBSE ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ भी मिलकर बनाए हुए हैं जिसके अंदर अगेन 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक्स हैं जिसके अंदर आप वो सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे जिससे कि बच्चों की जो कॉम्पिटेंसी है वो 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी CBSE ने इसके अंदर ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर दिए हैं कि हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर हमने किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हुए इन सारी रिसोर्सेज को यूज़ किया, इन क्वेश्चंस को देखा, तो शायद हम एक ऐसा असेसमेंट पैटर्न बना सकते हैं, असेसमेंट सिस्टम बना सकते हैं जो बहुत ही मजबूत होगा। इसके अंदर CBSE ने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं 3rd क्लास से लेकर 9th क्लास तक के, यानी कि 3rd क्लास से 9th क्लास तक किस तरीके से जो असेसमेंट है वो दीक्षा पोर्टल पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे जो कि CBSE ने कोलैबोरेट करके बनाए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 3rd से 9th क्लास तक के। आप इन क्वेश्चन पेपर्स को भी देखिए, इसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएंगे। CBSE ने वीकली प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, यानी कि अगर आपका स्प्लिट अप सिलेबस जो है वो वीकली फॉर्म में है तो आपको उसके लिए भी मिलेंगे, उसकी वीडियोज भी मिलेंगे, आइडियाज भी मिलेंगे, एक्टिविटीज भी मिलेंगे, कंसेप्ट्स भी मिलेंगे। इन सारी रिसोर्सेज जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारी की सारी रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं तो हम वो लेसन प्लान्स बना पाएंगे, वो असेसमेंट बना पाएंगे जिससे कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जिसका कोर है लर्निंग आउटकम बेस्ड एजुकेशन, जिसका कोर है मास्टरी ओवर द टॉपिक, इन सारे रिसोर्सेज को जो मैंने आपको भी यहाँ पर दिखाई हैं अगर आप यूज़ करते हैं, आपको ये सारे रिसोर्सेज देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, आपको इस वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अगर प्रिंसिपल हैं तो अपने टीचर्स को ये वीडियो दिखाइए जिससे कि टीचर्स को एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लान्स को हमें बनाना है। अगर आप टीचर हैं तो आप इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए एक बढ़िया से लेसन प्लान बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका क्या है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप इसको देख के बना सकते हैं। सारे के सारे रिसोर्सेज जो हमने इसमें यूज़ करे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स मिल जाएंगे डायरेक्टली, आप डायरेक्टली उन लिंक्स को कॉपी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्लास वाइज टेलीग्राम चैनल है जिसका अगेन इसमें लिंक है, उसमें आप क्लास वाइज टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम उसमें लगातार हम ये सारे रिसोर्सेज तो उसमें डालेंगे, हम लगातार उसमें नए नए क्वेश्चन पेपर्स सैम्पल पेपर्स उस टेलीग्राम चैनल में हम लोग डालेंगे जिससे कि आपको नोट्स बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हम सारे के सारे उस टेलीग्राम चैनल में भी डालेंगे। तो अगर आपने इस YouTube वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करिए, आप टेलीग्राम चैनल क्लास वाइज ज्वाइन करिए, अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराइए, अपने टीचर्स को ज्वाइन कराइए जिससे कि आप
वो कर पाएं जो आप जिसके लिए आप इस एजुकेशन में आए हैं, और जो सीबीएसई की जो रिक्वायरमेंट है हम उसे भी पूरा कर पाएंगे, 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, जो बेस है, हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।